हाय, यहाँ हम सेमेस्टर थ्री के लिए कंपलसरी हिंदी में एक प्रश्न रीढ़ की हड्डी एकांकी की समीक्षा कीजिए वाला देखेंगे, जिसका उत्तर हम प्रस्तावना रीढ़ की हड्डी एकांकी का मूल्यांकन, जिसमें हम एकांकी के तत्व जैसे कि कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, संवाद और कथोकथन, भाषा शैली, संकलन त्रय, ऐसे जो एकांकी के तत्व है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे और अंत में उपसंहार। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो चलो देखते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के प्रथम ऐसे एकांकीकार है जिन्होंने विभिन्न प्रयोगों द्वारा हिंदी एकांकी साहित्य को नवीन आभा प्रदान की। इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के नाटकों एवं एकांकियों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। अभिनय की दृष्टि से इनकी एकांकी बहुत सफल सिद्ध हुई और रंगमंच क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ जाए, ऐसी उनकी एकांकी थी। अब हम देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी कैसी है। तो वह एक सामाजिक यथार्थवादी एकांकी है जो मध्यम वर्गीय परिवार की ज्वलंत समस्याओं को हमारे सामने उजागर करती है। अब हम देखते हैं रीढ़ की हड्डी एकांकी का मूल्यांकन। अब हमने कहा वैसे यह जो एकांकी है वह जगदीश चंद्र माथुर ने सामाजिक दायरे में रहकर लिखी हुई है। इसमें हमें यह दिखता है कि वे सामाजिक दायित्व है वह निभाते हैं और निभाते हुए उन्होंने यह एकांकी लिखी हुई, ऐसी हमें ऐसा हमें प्रतीत होता है। इसमें प्रत्येक जो प्रसंग है उसे दिखाया गया है, उसे रंगमंच पर जब दिखाया जाता है तो हम देखते हैं कि कितनी कुशलता के साथ उन्होंने इस एकांकी में प्रत्येक प्रसंगों को प्रस्तुत किया है। यह नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब एकांकी के तत्वों के आधार पर इसका मूल्यांकन करते हुए हम देखेंगे कथा वस्तु या कथानक। एकांकी में मानव जीवन या उनकी समस्याओं के एक पहलू का चित्रण होता है। इसकी कथा वस्तु का निर्माण एक मुख्य विचार विशेष, समस्या सुनिश्चित लक्ष्य, किसी एक महत्वपूर्ण घटना या विशेष परिस्थिति को केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रस्तुत जो एकांकी है उसमें सामाजिक विषमता के विरुद्ध प्रगतिशील चेतना के विरुद्ध विद्रोह की यथार्थ अभिव्यक्ति करके भारतीय समाज के मध्यवर्गीय परिवारों की एक समस्या का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत एकांकी में जहां लड़की दिखाए जाने की प्रथा है उसका निरूपण किया गया है, वहां दूसरी ओर स्त्रियों के मानवाधिकारों की वकालत भी की गई है। स्वाधीनता के पश्चात भारत प्रगति के रास्ते पर तो आगे बढ़ रहा था, मगर कुछ सड़ी गली मान्यताएं भी अभी और कुप्रथाएं भी इस समाज में अभी भी बनी रही थी, जो एक व्यवस्थित और संतुलित समाज के निर्माण के लिए अवरोध उत्पन्न करती थी। गोपाल प्रसाद अपने बेटे की रीढ़ की हड्डी छिपाते हैं किंतु उमा की शिक्षा को दूषित बताते हैं।
परंपरावादी लोग लड़की की पढ़ाई के भी खिलाफ है। उमा जैसी विचारशील लड़की का सामाजिक रूढ़ी की बलि वेदी पर बलि होना अनिवार्य है। उनका मानना था कि लड़कियां बेबस भेड़ बकरियां नहीं, जिनको कसाई अच्छी तरह देखभाल करके खरीदते हैं, नहीं बेजान कुर्सी मेज है जिन्हें केवल खरीदार को पसंद आना चाहिए। यह हमें जो एकांकी में बताया गया है वह समाज में प्रस्तुत होने वाली समस्या को दिखाया गया है। अब हम देखते हैं पात्र या चरित्र चित्र। एकांकी की कथा वस्तु यहाँ संक्षिप्त है। इसमें वर्णित कथा जीवन की एक घटना को उद्घाटित करती है, अतः स्वाभाविक है कि एकांकी में पात्रों की संख्या भी कम होनी चाहिए। किसी एक या दो पात्र को केंद्र में रखकर एकांकी की कथा वस्तु का गठन किया जाना चाहिए। उमा प्रस्तुत एकांकी की प्रधान स्त्री पात्र है, जो पढ़ी लिखी है, सुशील है, सुंदर है और युवान भी है। वह झूठे आचरण के खिलाफ है। लड़की वालों से कहती है, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। शंकर जो उमा को देखने आया है, बिना रीढ़ की हड्डी वाला, उमा ऐसे लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर देती है। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों अपने बेटा बेटी की शादी करवा देने की फिराक में थे। दोनों कुछ न कुछ झूठ बोलकर छिपाने का प्रयत्न करते थे। एकांकी में इसके उपरांत अन्य पात्र जो प्रसंगानुरूप उपस्थित हुए हैं, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। इस प्रकार एक ही मुख्य चरित्र का चित्रण केंद्र में रखकर कथा का विकास किया गया है। अब हम देखते हैं संवाद और कथोकथन। तो एकांकी में संवाद को अनिवार्य तत्व माना गया है। एकांकी में संवाद योजना का अत्यधिक महत्व होता है। पात्रों द्वारा प्रयुक्त संवाद ही कथा को आगे ले जाती है। एकांकी की कथा एवं पात्र की संख्या सीमित होती है। उसी प्रकार एकांकी के संवाद भी लंबे नहीं बल्कि संक्षिप्त एवं प्रभावशाली होने चाहिए। उमा जैसी पढ़ी लिखी युवती की प्रगतिशीलता हम उन्हें देखते हैं तभी पता चल जाती है। विवाह प्रणाली में वर पक्ष की हृदयहीनता एवं दंभपूर्ण आचरण पर यहाँ जो दिखाया गया है वह पूरे समाज पर व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया है और समाज की इस रीति को जैसे कटहरे में खड़ा कर दिया है और सवाल पूछ रहे हैं कि यह जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियां लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदता है। यह समाज के लिए प्रश्न है जो यहाँ पर उमा द्वारा एकांकीकार ने प्रस्तुत किए हैं। जब परंपरावादी लोग हैं, वे लड़की की पढ़ाई से खिलाफ है। एकांकीकार ने शंकर के पिता गोपाल प्रसाद के माध्यम से
ऐसे लोगों की मानसिकता को भी दर्शाया है। अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहू ने भी ग्रेजुएट लीजिए। भला लड़कों को की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है, और मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही काम करने लगी तब तो हो चुकी गृहस्थी। यह थे गोपाल प्रसाद और उनके बेटों के विचार। इस प्रकार यहाँ जो संवाद प्रस्तुत किए गए हैं वह रोचक, प्रभावशाली और संक्षिप्त और साथ ही पात्रानुकूल और स्वाभाविक रहे हैं। अब हम देखेंगे देशकाल और वातावरण। यहाँ हम देखते हैं कि एकांत की कथा वस्तु को विश्वसनीय एवं स्वाभाविक बनाने के लिए देशकाल और वातावरण की आवश्यकता होती है। और एकांकी में देशकाल का चित्रण मंचन सज्जा, रूप सज्जा, वेशभूषा आदि प्रभावों के द्वारा किया जाता है। भाषा शैली भी सहायक हो सकती है। अब रीढ़ की हड्डी एकांकी सामाजिक यथार्थवादी एकांकी है, जिसमें पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए परिस्थिति के साथ समझौता करते हुए लड़के वालों के सामने पेश होकर उनके सवालों के जवाब न देने के लिए बाध्य लड़की है। जहां वर पक्ष अपने दुर्गुणों को तो छिपाने की चेष्टा करता है, तो वहीं कन्या पक्ष के दोष ढूंढकर उनके साथ अनुचित व्यवहार करने का मौका ढूंढता है। दूसरी तरफ देखें तो शिक्षा के कारण नारी में भी जागृति आई है। वह एक व्यक्तित्व विहीन लड़के के साथ चुपचाप शादी करना मंजूर नहीं करती, बल्कि उसके बिना उसे बिना रीढ़ की हड्डी वाले व्यक्तित्व को नकार कर अपनी प्रगतिशील चेतना एवं स्वाभिमानी व्यक्तित्व का परिचय देकर दम्भी लोगों को बेनकाब करती है। इस प्रकार यहाँ देशकाल और वातावरण की दृष्टि से यह एकांकी संपूर्ण सफल मानी जाती है। इस अब देखेंगे भाषा शैली। किसी भी एकांकी की भाषा शैली देशकाल के अनुरूप होनी चाहिए। भाषा का जो प्रयोग होता है वह पात्रों के एवं समय के अनुरूप होना चाहिए। पूरे एकांकी की एक ही भाषा होती है। भाषा सरल, सुबोध, सहज एवं प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। क्लिष्ट एवं मृत भाषा एकांकी के बोझिल और असफल बनाती है। और एक जो रीढ़ की हड्डी है उसकी भाषा शैली पात्रानुकूल, समयानुकूल एवं परिवेश के अनुरूप है। एकांकी का कथ्य मध्यम वर्गीय परिवेश को पेश करता है, अतः पात्रों की भाषा भी सांप्रतकालीन है, यानी कि उसी काल की है। इसमें अंग्रेजी शब्द स्टैंडर्ड, टोस्ट, पॉलिटिक्स, टैक्स, ग्रेजुएट, बीए, एमए, मैट्रिक, कॉलेज, उर्दू, फारसी जैसे लिए गए हैं। और इसी प्रकार यह भाषा शैली की दृष्टि से भी सफल एकांकी बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होती है। हम अब देखें कि उद्देश्य तो एकांकीकार ने स्वाधीन भारतीय समाज के मध्यम वर्ग की कुंठाग्रस्त मानसिकता एवं दंभपूर्ण जीवन व्यवहार को पहचान कर बेनकाब किया है। वे अपने आप को आधुनिक बताते हैं, किंतु रूढ़िबद्ध संस्कारों में छुपा कर बदलाव नहीं चाहते। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा अपनी ऐब छुपाकर सुशील एवं संस्कारी बहू की अपेक्षा रखते हैं। उमा जैसी लड़की दम्भी आचरण का विरोध करती हुई लड़के वालों की सच्चाई बयान करती है। इस युग की लड़कियां अब अपनी अस्मिता को पहचान गई है।
वह कोई गुड़िया नहीं रही और ना ही दुकान में पड़ा कोई सामान। इस प्रकार समाज में प्रचलित रिवाज लड़की देखने जाना, वहां अपने दुर्गुणों को छिपाकर लड़की वालों पर रौब जमाना जैसी समाज में जो बदिया फैली है, जो समस्याएं है, उसका चित्रण यहाँ किया गया है। तो दूसरी तरफ शिक्षित लड़कियों द्वारा व्यक्तित्व विहीन लड़के के साथ शादी करने से इनकार कर अपनी फोल खोलना आदि समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना इस एकांकिका उद्देश्य रहा है। अब संकल्प की दृष्टि से देखेंगे तो यह एक संकलन त्रय के लिए कार्य की एकता, स्थान की एकता और समय की एकता जरूरी है। यहाँ प्रस्तुत एकांकी में संकलन त्रय का सफलतापूर्वक निर्वाह किया गया है। केवल एक ही स्थान एवं एक समय पर कार्य को या उद्देश्य को प्रस्तुत किया गया है। लड़की देखने दिखाई जाने की घटना का यहाँ वर्णन है और रंगमंच की दृष्टि से यह एक सफल एकांकी है। और उपसंहार के रूप में हम देखते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी एकांकी में एकांकी के सभी तत्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है।